तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गाय बाहर से है ना उनके रहने की व्यवस्था यहाँ पे है। और ताई जी बोल रहे हैं गाय के लिए पंखे भी लगे हैं, आप देख सकते हैं पंखे वास्तव में लगे हैं यहाँ पे। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, हम भी एकदम से बढ़िया है। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार देवभूमि उत्तराखंड के खरी क्षेत्र से। पहले आप सभी देखने वाले बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है काफलीगैर से। आज हमारी गांव की ना सभी महिलाएं ना काफलीगैर कृषि विज्ञान केंद्र में मौजूद हैं और यहां पे क्या होने वाला है कार्यक्रम वो तो खुद मुझे भी नहीं पता। तो आइए मिलाते हैं ये सर से, ये सर बताएंगे हम सभी को। बाकी जितनी भी महिलाएं थे यहाँ पे कृषि विभाग के पूरे चारों तरफ देखने लायक का जैसा है, तो वहाँ पे वो घूमते घूमते एंजॉय कर रहे हैं। और ये है हमारी अमा जो बार बार वीडियो में आती हैं। अमा और मैं ना शोर आओ बैठ गया, बहुत ज्यादा घाम लग रहा, आप मेरे पीछे देख सकते हैं इतना अच्छा क्यों। तो ये है हमारे दादा कृषि विभाग वाले, तो ये बताएंगे आज यहाँ पे क्यों महिलाओं को एकत्रित किया गया है। ये इनका एक्सपोजर विजिट है जो ऑर्गेनिक में हमारे काम करते हैं, जो ऑर्गेनिक हमारे कृषक है अलग अलग गाँव से, कुछ हमारे बनारतोली भटकोला खराला पहाड़ी और बुआला न्याय पंचायत से हमारे कृषक जो आ रखे हैं उनको यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में कि कैसे ऑर्गेनिक खेती की जाती है, कैसे आगे उत्पादन बढ़ेगा, कुछ हमारे यहाँ के वैज्ञानिक बताएंगे कि इनको किसानों को कैसे करना है करके, इसलिए इनका एक्सपोजर विजिट है। अच्छा, हम दोनों यहाँ पे बैठे हुए तो आप मेरी छोटी मोटी वीडियो पर अपना प्यार सपोर्ट खूब सारा बनाए रखा है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हमारे खाकर के ताई जी लोग भी आए हैं। ताई जी भला रहो, जा पहला दियो जाना। हाँ अच्छा, बस बढ़िया। ये दीदी लोग भी आ गए हैं, बताएंगे कहाँ से हो? पाना से है। तो यहाँ पे पाना की महिलाएं भी आ चुकी है। यहाँ पे ना कृषि विभाग वाले ना गाय भी पाल रखी है और यहाँ पे ये वाले भैया सेवा में लगे हुए हैं। दूध देती है क्या? तो ये आप देख सकते हैं, यह है छोटे छोटे बछड़े और उस साइड है थोड़े और बड़े और इस साइड ना सबसे बड़े वाले गाय और इनके रहने की व्यवस्था यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गाय बाहर से है ना उनके रहने की व्यवस्था यहाँ पे है। और ताई जी बोल रहे हैं गाय के लिए पंखे भी लगे हैं, आप देख सकते हैं पंखे वास्तव में लगे हैं यहाँ पे। और इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे गायों के रहने के लिए की गई है और इस साइड भी है को हॉल या गोर रूनी का भाई देखो दया। तो यहाँ पे कृषि विभाग की सभी महिलाएं गुड़ाई कर रहे हैं, इस साइड है प्याज। तो ताई जी तुम लोग के बताला ये जो तुम गुड़ाई करना है कृषि विभाग की तरफ से कर रहे हो या तुम्हारे अपने ही है? विभाग की तरफ से कर रहे हो? अच्छा, रोज यहाँ की देख रेख करते हो? अच्छा, तो विभाग की तरफ से आपको लगाया गया हुआ है फिर? यहाँ पे आंटी जी बता रहे हैं कि हम कृषि विभाग की तरफ से हैं और यहाँ पे ना गुड़ाई करते हैं, यहाँ की देख रेख करते हैं, है ना? ये ताई जी लोग तो नहीं बोल रहे हैं, पता नहीं यार उनको बोलना अच्छा नहीं लगता है या जो होगा, लेकिन बहुत अच्छी यहाँ पे इन लोगों ने मेहनत की है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा। इस साइड को पूरे जो है प्याज के खेत हैं पूरे लाइन लाइन करके। और उस साइड ताई जी वो क्या है, वो बड़े बड़े प्याज है बिन होनी जनन में? जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। सर थोड़ा सा जोर से बोल दो, थोड़ा सा बुढ़िया बुढ़िया महिलाएं। आप लोगों का स्वागत है, आप लोग इतनी दूर से आए हैं यहाँ पर और विभाग के सहयोग से यहाँ पर जो भी नई तकनीकी हम लोग कर रहे हैं जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। मधुमक्खी से लेकर जो मशरूम के इंटरेस्टेड है उनको मशरूम उत्पादन का पीछे हमारे पास है और जो नई उन्नत प्रजातियां मशहूर में गेहूं में ये लगी हुई है हमारी, प्याज के बीज उत्पादन का कार्यक्रम है, मटर खाद जो वर्मी कंपोस्ट है उसको देखने की तकनीकी है, कीड़े का प्रबंधन का है
और ये हाउस में अभी नर्सरी का चल रहा है, अभी नर्सरी में टाइम लगेगा। जो टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन यूनिट है उसका है, अभी कई चीजें आप लोग देख करके और अपनी खेती में अगर थोड़ा बहुत भी उसको यूज कर लेंगे तो अगर आपको फायदा हो गया तो हम लोग मानेंगे कि आज का ये भ्रमण जो है आपका सफल हो गया। और ये जैविक के अंतर्गत है, हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ के प्राकृतिक खेती का भी कार्यक्रम थी, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि कृषि में खेती में जो लागत है उसको कैसे कम किया जाए। हम लोग देखिए यूरिया DAP ये काफ़ी मात्रा में डाल रहे हैं, उससे हमारी खेती की लागत बढ़ जा रही है, ठीक है। तो प्राकृतिक खेती जैसे जीवामृत हो गया, बीजामृत हो गया, घन जीवामृत हो गया, बाकी दशपर्णीय अर्क हो गया जो कीड़े के नियंत्रण के लिए रहता है, तो इनको डाल करके जो हमारी खेती जो मिट्टी जो है जिसकी उर्वरा शक्ति कम हो गई है, जो सूक्ष्म जीव मिट्टी में थे वो काफ़ी संख्या में कम हो गए हैं। ये प्राकृतिक खेती का मूल मंत्र है, इसके बारे में भी हम लोग आप लोगों को जानकारी देंगे। और इसके बाद आप लोग अपने घर में बना करके इसको अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं और उससे आपका उत्पादन भी बढ़ेगा और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी हम लोगों को। दूसरा जो है मधुमक्खियाँ परागण करती हैं, जैसे आपने देखा होगा एक कभी कहते हैं आप हमारे जो फल वाले लोग हैं जैसे हमारे नंदन सिंह जी हैं, इनके वहाँ सेब का देखिए अच्छा साइज आता है, या इनके वहाँ आड़ू पुलम खुमानी बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो इनके वहाँ मधुमक्खी के बॉक्स भी हैं। वो क्या है दिखाई नहीं देगा लेकिन वो परागण करके उसका साइज बड़ा होगा और क्वालिटी अच्छी होगी और उसमें जो है फलत अच्छी आपकी आएगी, ठीक है। जितने ज़्यादा मधुमक्खी के बॉक्स होंगे आपके बाग बगीचे में, ऐसे सब्जियों में जो परंपरागत सब्जियां हैं जैसे आपका प्याज का बीज है, जिस प्याज के बीज के फील्ड के आसपास अगर मधुमक्खियां होंगी तो उसमें प्याज का बीज बहुत अच्छा आपका बैठेगा, गुणवत्ता वाला होगा, जमाव में अच्छा होगा, ठीक है। ऐसे आपका धनिया है, ऐसे आपका मूली है, ये सब परंपरागत फसलें हैं। फुलमूली का अडल्ट होता है, वयस्क होता है, वो काला जिसे हम लोहार कीड़ गोबर कीड़ कहते हैं, वो इसमें प्रकाश से अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होके इसमें पकड़ के इसमें पानी भरा रहता है, थोड़ा सा मिट्टी तेल भी डाल देंगे आधा रहता है, तो ऊपर से गिरेगा कीड़ा इसमें जमा होगा। ये कि रात में आप देखोगे बरसात के दिनों में इसको लगाने का जो उचित समय है, जब पहली बरसात हो जाती है आपकी जून जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर तक, ये हम अपने खेतों में लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक कीड़ा 50 से 150 अंडे दे देती है, इतने फुरमुले पैदा करते हैं, तो अगर हमने कीड़े इसमें पकड़ लिए उसके वजह से तो अंडे देने की प्रक्रिया रुकेगी और धीरे धीरे जो है आपका खेत से फुरमुला कम होगा। और सड़ी भी गोबर का प्रयोग ही हम लोगों ने करना है, खाद का चाहे वर्मी कंपोस्ट है, इससे फुरमुला कम होगा। और दूसरा एक WGPSB2 जैव कीटनाशी है, उसका गोबर में मिला करके अगर हम प्रयोग करें अंतिम जुताई के समय डाल देंगे तब भी हमारे खेत में फुरमुला कम होगा। तो गाइस फाइनली यहाँ पे हमको यहाँ के जो विभाग के सर है उन्होंने पूरे यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र का आज भ्रमण कराया, जितनी भी प्रजातियों के यहाँ पे पेड़ पौधे थे सभी चीज़ों के बारे में सभी को यहाँ पे समझाया। और ये है पाना की दीदियाँ और अब ये भी जान लगे हैं घर को और हम भी जाएंगे, तो कुछ कहना चाहोगे चाहते वक्त? हाँ, क्या यहाँ आकर हमको इनने समझाया और खेती बाती के बारे में बताया, जानकारी दी, पूछती थी। तो ये दीदी भी बहुत ज्यादा मेहनती है, सुबह सुबह बोणबटी घाकाड़वे अरी और घर का जितना टोटल काम होता है डेली वो सब कुछ निपटा के यहाँ पे भी हाजिर हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपको धन्यवाद, थैंक यू। ताई जी लोग आगे से बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं हमारे दीदी, तो यहाँ पे भैया बताएंगे इनको कैसा लगा वहाँ पे और क्या क्या वहाँ पे बोला सर जी ने, और वहाँ पे कितनी प्रजातियों की पेड़ पौधे से जिन जिन पे उन्होंने हम सभी को भ्रमण कराया और बहुत जगह घुमाया, हर चीज के बारे में बताया। आप कुछ कहना चाहोगे? उन्होंने बताया खाद के बारे में बताया था और मछली पालन और गेहूँ के बारे में बताया था, मसूर के बारे में बताया था और क्या कहते हैं एक उज्जला घास थी एक उसके बारे में बताया, चारा मतलब सब ठीक ही बताया था उन्होंने। मतलब हमारे वहाँ अभी जागरूकता हुई नहीं, धीरे धीरे करके आए हैं महिला घर में जाके करेंगे थोड़ा बहुत धीरे धीरे के एक दूसरे को देख के फिर आगे को सीखते रहेंगे, आगे
सब में जागरूकता फैलेगी तो सब करते रहेंगे। थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके, और चाय पानी की व्यवस्था भी अच्छी खासी की थी। अब रुकते हैं यहाँ पे कटपुरा छीना पे, यहाँ पे थोड़ा बहुत शॉपिंग वॉपिंग करनी है सभी लोगों ने, क्योंकि बार बार आना जाना नहीं होता है कटपुरा छीना में। अभी हम लोग कटपुरा छीना में पहुँच गए हैं और पहुँचे हैं ये वाले भैया की दुकान में, और यहाँ से ना एक स्वेटर चूज कर रहे हैं हम, रील बनाने वाले इनको। आप मान ही नहीं रहे, आप कहीं से भी लाओ, मैं इतने सस्ते डिस्काउंट में दे रहे हैं, आप आराम से लीजिए, तसल्ली से आप लो। तो आज दोपहर का टाइम बज चुका है और हम लोग घर में पहुंच गए हैं, और आते ही ना सीधे आयुष भी पहुंच गया है, और आयुष से पूछते हैं इसका पेपर कैसा गया। कैसा गया? बढ़िया। आज इसका ना मैथ का पेपर था, इसके लिए मैं लाई हूँ एक फ्रूटी, 10 रुपए की फ्रूटी लाई हूँ। थैंक यू तो बोल दे यार। हाँ, फिर मैंने इसके लिए 10 रुपए खर्च किए हैं। तो इसी के साथ ही वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलती हूँ आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय देवभूमि उत्तराखंड। पहला